So today we are going to do the filling of the electrons according to the three rules. ठीक है, हमारे पास तीन rules होते हैं जिस according हमने उस electron की filling करनी है. सबसे पहले है Auger principle, ठीक है. Next is Pauli exclusion principle and the third one is Hund's rule. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सारे principles हैं क्या. तो we are going to start with the Pauli exclusion principle firstly, Auger principle. ठीक है, Auger principle के according क्या है कि हमने electron को किसी भी एटम जो है इट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. यानी कि जिसकी एनर्जी कम है हमने उस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो ऑर्बिटल्स फिल होंगे. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज का हम ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसा है, 1s 2s 2p 3s 3p. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 3d और 4s की, इफ आई टॉक अबाउट 3d एंड 4s, ठीक है, तो 4s की एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 4s की ज्यादा है. ठीक है ना, 4s के लिए n की वैल्यू ज्यादा है, तो दैट मींस 4s की एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू 3d. बट मैंने 4s की एनर्जी को कम लिखा है बट 3d की एनर्जी को ज्यादा लिखा. ठीक है, ऐसा क्यों, वी विल बी स्टार्टिंग सेम. उसके बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d, यहाँ पर भी सेम केस है. अब 4f को मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है, 5d को मैंने बाद में लिखा हुआ है, यानी कि 4f की एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है, 5d से, राइट. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आप कैसे लर्न करोगे उसकी एक एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, हमने कैसे इस पूरे ऑर्डर को लर्न करना है, तो आपने 1s ऑर्बिटल बनाना है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f. ठीक है, ऐसे करके आपने सारे बनाने हैं. हमने यहाँ पर ऐसे लाइंस लगानी, ठीक है, एरोज मार्क करनी है, राइट, इन दिस ऑर्डर जैसे आप देख सकते हो मैंने लगाई हुई. ओके, फॉलोइंग दीज ऑर्डर्स, फॉलोइंग दीज लाइंस हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स लिखेंगे. देखो, इस लाइन को ऐसे फॉलो करो 1s आएगा, इस लाइन को फॉलो करो 2s आया, इस लाइन को फॉलो करो, ये लाइन लेके जा रही है आपको 2p एंड 3s. तो देखो मैंने यहाँ पे 2p एंड 3s लिखा हुआ है, ठीक है. देन ये लाल वाली लाइन फॉलो करो, दिस इज फॉलोइंग 3p 4s, सो 3p 4s, 3d 4p 5s, ठीक है, 3d 4p एंड 5s. सिमिलरली ये वाली एरो आप फॉलो करो, 4d 5p 6s, ठीक है, तो 4d 5p 6s. सो इन दिस वे यू कैन राइट दी ऑर्बिटल्स. ठीक है, अगर आपको नहीं भी लर्न होते हैं किस ऑर्डर में है ये, ठीक है, क्योंकि हमने इसी ऑर्डर में फिलिंग करनी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. रिमेंबर करने का मेथड क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. आपने ऐसे ऑर्बिटल्स लगाने हैं और यहाँ पे ऐसे एरोज मार्क कर दिए, ठीक है, और उन एरोज को देखते देखते आपने ये ऑर्बिटल्स जो है वो बनाने. ओके, अब वाई 4s को मैंने पहले लिखा है और 3d को बाद में लिखा है, द रीजन इज बोहर्स बरी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो 4s है उसकी एनर्जी कम है. तो देख लेते हैं, बोहर्स बरी रूल इज n+l रूल. हम n+l की वैल्यू लिखेंगे फॉर 4s एंड फॉर 3d, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4+0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3+2, ठीक है, 4+0 इज 4, 3+2 इज 5. तो किसकी n+l की वैल्यू ज्यादा आई है, 3d की. 3d इज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n+l, तो यानी कि 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s के कंपैरेटिव में, इसीलिए मैंने 3d को बाद में लिखा है और 4s को पहले लिखा हुआ. ओके, तो ये सेम रीजन, ये सेम एक्सप्लेनेशन हम आगे भी चलाएंगे जहां पर हम ऑर्बिटल्स को आगे पीछे लिख रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर एनर्जी वैल्यू. ठीक है, अब अगर एक सेकेंड केस लेते हैं, सपोज वी टेक द केस ऑफ दिस 4f एंड 5d, 4+3 5+2, अब दोनों की वैल्यू जो है वो n+l के लिए 7 7 आ गई. अब उस केस में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस केस इज हम देखेंगे कि l की वैल्यू जो है वो किसके लिए कम है. तो n की वैल्यू जो है वो इसके लिए कम है, l की वैल्यू, हाँ जी, l की वैल्यू जो है वो इसके लिए कम है, सो दिस इज हैविंग लोअर एनर्जी.
ठीक है जी, ओके राइट। सो उसकी एनर्जी कम होगी। इन दिस केस वी कैन सी द वैल्यू ऑफ एन, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ओके तो 4f की एन की वैल्यू कम है, दिस इज 4, ठीक है, तो इसलिए उसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 5। ओके अगर n प्लस l की वैल्यू दोनों की सेम हो जाती है, फिर हमने n एज डिसाइडिंग फैक्टर लेना कि जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम। ओके ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है, दिस प्रिंसिपल इज सेइंग दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स सेम। कहते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम नहीं हो सकते नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 अलग अलग पर्सन है, 2 अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो उनका एड्रेस कैसे सेम हो जाएगा? ठीक है, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो सारे के सारे क्वांटम नंबर्स हैं चारों के चारों, वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, चाहे n l m सेम हो गया बट s सेम नहीं होगा। ओके अगर n और l सेम हो गए बट m और s सेम नहीं होंगे। ठीक है, n सेम हो गया बट l और m और s सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि 3 भी सेम हो गए तो एक डिफरेंट होगा ही होगा, अगर 2 सेम हो गए तो उसमें से 2 डिफरेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके द थर्ड वन इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसको समझने से पहले जो मैंने आपको बताए हुए हैं ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट, एस ऑर्बिटल में आपने एक ऑर्बिटल होता है एस के लिए, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर बनानी है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे बनानी है। ठीक है, तो ऐसे हमने हमेशा रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन्स को। पी के लिए आपके पास 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, दिस इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अगर 3 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली डी हमारे पास 5 आते हैं, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 10। ठीक है, एफ आते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 14। ठीक है, ये होती है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स अच्छे से भरे हुए हैं, दिस मी नोन एज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर s पूरा भरा हुआ है, 2 आने चाहिए तो दोनों आए हुए हैं, p में 6 भरने हो चाहिए थे, 6 के 6 भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, p में मैक्सिमम आपके 10 आ सकते हैं, 10 के 10 भरे हुए हैं, f में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, 14 के 14 भरे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं हंट्स रूल पे। ठीक है, हंट्स रूल क्या कहता है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स करनी है डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए, डीजनरेट यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, प्लस दे आर हैविंग ऑल द सेम एनर्जीज, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पी एच पी वाई एंड पी जेड इन सब की जो एनर्जीज है वो सेम है, तो जब हमने डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हाउ वी हैव टू डू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं आपने उन सबको सिंगली फिल्ड करना, यानी कि अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, देखो प्रोबेबिलिटीज क्या है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, मैं उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी लिख सकती हूँ, उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो थर्ड केसेस में ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसमें से एक केस जो है वो सही है, that is this case that follows the Hund's rule of maximum multiplicity according to which
when we are having more than one orbital, एक से ज्यादा orbital है plus they are degenerate, यानी कि सारे के सारे के पास energy same है, तो हमने सबको पहले singly filled करना है, यानी कि तीनों को पहले एक एक electron देना है, और जो हमने electron represent करना है वो भी सारी same spins के साथ करना है, ठीक है, parallel spins होनी चाहिए। अगर मैं सबको ऊपर show कर रही हूँ तो सबको ऊपर show करना है, ये नहीं है कि दो को ऊपर show कर दिया और एक को नीचे show कर दिया। Okay, so this is representation is wrong, and this representation is also wrong here. जहाँ पर मैंने पहले को ही दो दे दिए और ये जो है ये vacant रह गया, ये खाली रह गया, ठीक है? तो Hund's rule of maximum multiplicity हमें क्या कहता है कि whenever we have to do the filling of the electrons, तो हमने पहले तीन हो जितने भी orbitals हैं, तीन हैं, पांच हैं, सात हैं, उन सब को पहले singly filled करना है, फिर उसके बाद उनकी doubling करनी है, doubling ऐसे, ठीक है? ये हो जाती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सारे के सारे भरे हुए हैं, छह आने चाहिए थे, तीन भरे हैं तो हाफ फिल्ड हो गए, ठीक है, दस आने चाहिए थे, पांच भरे हैं तो हाफ फिल्ड हो गए, चौदह आने चाहिए थे, सात भरे हैं तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। So whenever we have to do the filling of electrons, we have to remember all the three rules of the principle. Increasing order of energies में fill करना है orbitals की. Pauli exclusion principle, कोई भी दो electrons का address same नहीं हो सकता, quantum number same नहीं होंगे. Hund's rule of maximum multiplicity, whenever we have to fill the degenerate orbitals, ठीक है, p, d और f जो हैं, they are having the same energies. तो उस केस में हमने पहले उनको सिंगली फिल्ड करना है, उसके बाद उनकी डबलिंग करनी है, ठीक है, और जब हमने उनको सिंगली फिल्ड भी करना है तो उनकी स्पिन्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो रिमेम्बरिंग ऑल दीज थ्री रूल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिलिंग नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, जो पेपर में आता ही आता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब मैं ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, ठीक है, ऑर्बिटल्स 1s, 2s, 2p, 3s, 3d. अब ये बात हमने याद रखनी है बस कि s में दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने हैं, p में छह इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने हैं, ठीक है जी, 4s के बाद 3d आता है, तो d में कितने मैक्सिमम जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, ओके, अब मैं आपको फिलिंग सिखाने लगी हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमने सबसे पहले ये वाला ऑर्बिटल फिल करना है 1s, ठीक है, यहाँ पर हम n लिखते हैं, यहाँ पर हम l मेंशन करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक वन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाती है, दिस इज 1s और ऊपर 1, हीलियम के लिए 1s 2, क्योंकि s में मैक्सिमम हम दो भर सकते हैं, ठीक है, s में मैक्सिमम हम दो भर सकते हैं। लिथियम थ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, दो भर गए, अब इसके बाद हम इसको इसमें और नहीं भर सकते, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट शेल पे जाना पड़ेगा, दैट इज द 2s ऑर्बिटल। अब हम 2s में फिलिंग स्टार्ट करेंगे, 2s1, ठीक है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, 1s2, 2s2, नेक्स्ट इज बोरोन 5, 1s2, 2s2, अब इसमें भी दो भर चुके हैं s के मैक्सिमम, s में मैक्सिमम दो भर चुके हुए हैं, अब इसके दैट मींस वी हैव टू शिफ्ट टू नाउ नेक्स्ट ऑर्बिटल, दैट इज 2p, 2p के भी तीन आते हैं, 2px, 2py एंड 2pz, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली शो करूंगी कि मैं 2px में भर रही हूँ, और अगर आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं शो करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे शो करो,
ठीक है, यहाँ पे s में वन है तो एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, s2 है एक को ऊपर है स्पिन, एक ही स्पिन नीचे है दूसरे इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली 1s2, एक ही स्पिन ऊपर एक ही स्पिन नीचे, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक ही स्पिन ऊपर, ठीक है राइट। ठीक है, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के लिए आप नॉर्मल क्या लिखते हो, टू टू लिखते हो ना, तो 1s2 2s2, ठीक है, तो इसको ऑर्बिटल के कंसेप्ट में हमने ऐसे लिख दिया। अगर आपने ऑर्बिटल शो करने हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, तो 1s2 2s2 2p1। अब मैं यहाँ पे सिंपली आपको 2p1 शो करने लगी हूँ, दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। तो हमने पहले यहाँ पर भर, क्योंकि हमने हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी फॉलो करना है। अब नेक्स्ट की फिलिंग करते हैं, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन 1s2, ठीक है, सिक्स नंबर है कार्बन का, तो 2s2, यहाँ पर दो भर सकते हैं, यहाँ पर दो भर सकते हैं, दो दो चार हो गए, ठीक है। फिर 2p पे जाएंगे, 2px में वन फिल करेंगे, 2py में भी वन फिल करेंगे, ठीक है, तो टोटल करो छह इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, दो दो चार पांच और एक छ, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज आल्सो फॉलोड हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं सेवन, नाइट्रोजन के लिए 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, ठीक है। 2p में मैक्सिमम हम 6 तक भर सकते हैं, अभी हमारे 3 भरे गए हैं, ठीक है, तो x में भी 1 है, y में भी 1 है और z में भी 1, ओके। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, काउंट करो तो 2, 4, 6, 7, 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, दो दो चार पांच छ सात और एक आठ, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहले सिंगली फिल्ड किए थे, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया वो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है फ्लोरीन, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, ठीक है, ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों सिंगली फिल्ड, दोनों डबल हो गए हैं, एक सिंगल रह गया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नियॉन, व्हिच इज हैविंग 10, 2px2, 2py2, नाउ हियर 2pz2। तो आप देख सकते हो अब जो P है वो पूरे भर चुके हैं, नाउ दिस इज द फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ P, दो दो चार पांच छह सात आठ नौ दस, अब हमने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर दिए, ठीक है, और P भी यहाँ तक अब फुली फिल्ड हो चुके हैं। अब हम और P में फिलिंग नहीं कर सकते, अब हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन P में भर चुके हैं, नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू 3s ऑर्बिटल नाउ, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट 10 की आपको बता दी है, फ्रॉम 11 टू 17 आपने खुद करनी है, 11 टू 17 ऐसे ही होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। 11 बता देती हूँ, 11 इज सोडियम, ठीक है, सोडियम के लिए। अब सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, आप इसको सिंपली अब 2px भी लिख सकते हो, इसको अगर आपने एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं लिखना है तो सिंपली 2px भी लिख सकते हो, 2p6, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर सारे के सारे भर चुके हैं, तो अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट नहीं है कि पहले x में भरा गया फिर y में फिर z में, ठीक है, जब ये फुली फिल्ड हो गए हैं तो यू कैन सिंपली राइट डाउन इट एज 2p6, ठीक है। सोडियम को दूसरा वे क्या है रिप्रेजेंट करने का,
इतनी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है नियॉन के लिए, ये नियॉन के ना देखो 2 to 4 to 6 7 8 9 10 10 तक ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में शिफ्ट हुए हैं 3s में, जिसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया है। तो आई कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम लाइक दिस ऑल्सो। अगर आपने ये इतनी बड़ी नहीं भी लिखनी है तो आप सिंपली लिखो यहाँ पर नियॉन, ठीक है, ब्रैकेट में, और उसके बाद जो अगली कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन। इसका अपने आप ये मतलब होगा कि आप इस टर्म की बात कर रहे हो, आप इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, पहले 10 कॉन्फ़िगरेशन की आप बात कर चुके हुए, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। ओके, अगर आपने यहाँ पे नियॉन लिख दिया है तो दैट अल्टीमेटली शोज कि आप इतनी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन की आप बात कर रहे हो। ओके, तो आपने 17 तक ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट मैं आपको 18 समझाऊंगी। अब लेट्स मूव टू द 18th वन, दैट इज आर्गन, ठीक है। अब आर्गन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 11 12 फिल कर लिए, 12 में 6 और जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 हो गए, ठीक है। अब मैं 19th वाले को पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ये 18 मैंने पहले ले लिए, ठीक है, क्लियर। 3p के बाद अब कौन सा ऑर्बिटल आएगा नेक्स्ट, दिस इज 4s, तो 4s1, 20 इज कैल्शियम आर्गन, 4s2, ठीक है। अब यहां तक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की हमने फिलिंग कर ली हुई है। द नेक्स्ट एलिमेंट 21 to 30, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट 20 तो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। अब 21 टू 30 जो है दे आर मेन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको एलिमेंट्स लिख देती हूँ कौन कौन से हैं। दिस इज कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, पहले इतने करते हैं। दिस इज 21 22 23 24 एंड 25, ठीक है। तो 20 तक हम क्या फिलिंग करके आए हैं, 20 तक हम फिलिंग करके आए हैं आर्गन 4s2, ठीक है, ये हम 20 तक फिलिंग करके आए हैं 4s2 तक। अब हमने लिखना है 21, यहाँ तक पूरी फिल हो गई है। अब हम नेक्स्ट ऑर्बिटल पे शिफ्ट हुए हैं, डेट इज 3d, तो 20 में 1 ही ऐड करना है, तो 3d1 पुट कर देते हैं, आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। मैंने 4 नहीं लिखा है, ध्यान से देख लो, 24 3d5 4s1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, आर्गन 4s2 3d5। क्या किया मैंने यहां पर, एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, 1 2 3 के बाद 4 ही आता है, सीधा 5 थोड़ी ना आ जाता, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला जो s वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है, तो यहाँ पर ये 4 की बजाय 5 बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, रट लो इसको, ठीक है। मैंगनीज के बाद आता है आयरन, डेट इज 26, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है, आयरन। फिर उसके बाद आता है निकल, सॉरी आयरन के बाद कोबाल्ट, नॉट निकल, ठीक है, कोबाल्ट डेट इज 27, आर्गन 4s2 3d7, ठीक है बेटा। वी विल बी डिस्कसिंग दिस, रमन हम डिस्कस करेंगे इसको, ऐसे क्यों लिखा है हमने,
ठीक है, मैं बताऊंगी बेटा, क्योंकि एक और एक्सेप्शन आ रही है, हम दोनों के बारे में इकट्ठा डिस्कस करेंगे। अब कोबाल्ट के बाद आता है निकल, ठीक है, 28, देन इज कॉपर जो आपको पता है, देन इज जिंक 29 एंड 30। तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 4s2 3d8, आर्गन 4s1 3d10। अब देखो ये भी सेम केस आ गया हमारे पास, एक्चुअल में यहाँ पे 3d9 होना चाहिए था, बट मैंने क्या लिखा है 3d10, और 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज होके लिख दी 4s2 3d10। अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, दीज शुड बी ऑन योर टिप्स, 21 to 30 की कॉन्फ़िगरेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, रीजन इज दो केसेस हैं, एक तो आती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द फर्स्ट केस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनके रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं 3d5 और 3d10 रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं। कैन यू सी 3d5 का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दिस इज द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कॉपर, सो दिस इज द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर दी कॉपर। 3d10 भरना है ना, तो 3d10 भर दिया मैंने, ये हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है। एंड एक चीज हमने हमेशा याद रखनी है, दैट द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड द फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दे आर ऑलवेज स्टेबल। नोबल गैसेस क्यों स्टेबल हैं, क्योंकि उनके पास फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए वो स्टेबल है ना, तो इनका भी यही रीजन है। कॉपर और क्रोमियम क्यों स्टेबल बन रहे हैं, क्योंकि वो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस एक्वायर कर रहे हैं जो उनको स्टेबल बना रही है, ठीक है, जो उनको स्टेबल बना रही है। द सेकंड रीजन इज, सेकंड रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, द सेकंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है कि कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशंस हैं, कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशंस हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंज कर सकता है, जैसे सीड्स हैं, ठीक है। फ्रेंकली अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर ऑफ सीड्स हैं, कितनी सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकता है। अगर मैं ये 3d4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखूं, इफ आई सी दिस फॉर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये है 3d4, 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशंस हो गई, 1 2 और 3 प्लस। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन देखूं, ये वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ने एक्सचेंज कर ली है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी देख ली है, वो 3 प्लेसेस आगे एक्सचेंज कर सकता है किसी और के साथ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये अपनी इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है या इसके साथ, 3 + 2 + अब ये कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है, 1 के साथ +1, 3 + 2 = 5 + 5 + 1 = 6। तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एक्सचेंज्ड पोजीशंस हैं वो 2 हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 3d5 के लिए, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 3d5, ठीक है, मैं इसी में शो कर दूंगी अब सारी। ये इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, 1 2 3 4 प्लस। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, सेकेंड वाला कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 and 3 के साथ प्लस। थर्ड वाले पे आते हैं, ये है हमारा थर्ड, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो 2 प्लेसेस हो गए।
अब आते हैं इसके पास, ये एक के साथ ही एक्सचेंज कर सकता है, तो वन. सो हेयर द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशंस आर 10. तो जितनी ज्यादा वो पोजीशंस एक्सचेंज कर सकता है उतनी ज्यादा एक्सचेंजेबल एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, जितनी ज्यादा पोजीशंस वो चेंज करेगा उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जो उसको स्टेबल बनाती है. ठीक है मंजोत, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको जैसे बताया है कि हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, पांच ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच ऑर्बिटल्स हैं. पांच ऑर्बिटल्स अगर सारे सिंगली फिल्ड हैं तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन हो जाती है. अगर वो सारे भरे हुए हैं तो दिस इज फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन. ठीक है, जैसे हम नियॉन की बात करते हैं, आर्गन की बात करते हैं, दीज आर द नोबल गैसेस. हम इनको स्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में दो होने चाहिए थे, हैं, सेकंड शेल में एट होने चाहिए थे, हैं. तो यही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 हो सकते थे, 10 के 10 हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल. तो हमेशा याद रखना है कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन दे आर ऑलवेज स्टेबल. तो मैंने उनको स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर दिया है, 4s1 3d5 कर दिया है, या 4s1 3d10 कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, सिर्फ स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. एक्सचेंजेबल एनर्जी का कंसेप्ट है, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कितनी पोजीशंस जो हैं वो एक्सचेंज कर सकता है.